ये देखो, ये मैंने 6 तार रेशम लिया हूँ और आप लोगों को आज एकदम आसान तरीके से बताऊंगा कि फ्रेंच नोट कैसा सिलते हैं, क्योंकि कोई हार्ड काम नहीं है। बहुत से लोगों का मैं देखा है, यूट्यूब पर देखता हूँ, उनको सिलने नहीं जमता है, फिर भी मतलब कोशिश करते हो, पर आपको इसका प्रॉपर तरीका मैं बताऊंगा कि किस तरह से सिलेंगे। तो देखिए, ये रहे। पहला तो नीडल है, तो नीडल कैसा है, हर तार के लिए अलग अलग नीडल बनी है। ये जो है 6 का 12, यानी जो रेशम की तार है ये 12 तार है टोटल। तो इसके लिए मैंने लिया हूँ 7 नंबर। 7 नंबर क्यों लिया हूँ, क्योंकि इसके साथ है ना जो सीक्वेंस है ना, तो सीक्वेंस का कैसा रहता है, ये होल है ना छोटा रहता है, तो इसमें 7 नंबर सुई बराबर जाती है। फिर आप देखो, आपको मैं बताऊँ, ये हम इधर आए, ये देखो गार्ड डालने का सही तरीका क्या है, ऐसा छोड़ दिया आप लोग ने, हल्का हाथ लूज हाथ ऊपर का भी रहेगा और नीचे का भी, अगर टाइट करेंगे ना तो आपकी ये जैसा बाल बाल रेशे रेशे आने लग जाएगी सब। अब एकदम करीब से देखेंगे हम, एकदम करीब से देखने से आप लोग को मालूम पड़ेगा कि किस तरह से ये फ्रेंच नोट बैठती है। ये देखिए एकदम करीब से किससे, ये देखो। अब मैं आपको बता रहा कि बहुत से लोग मुझे इसमें जमता नहीं है, कैसे अपना घर पे बैठे बैठे भी आप लोग कुछ भी अपना ड्रेस में फूल या कुछ भी बना सकते हो। कुछ नहीं, 20 रुपये वाली रील है रेशम की, रॉयल रेशम भी यूज़ करता हूँ मैं, क्योंकि ताकि कपड़े पे भी कलर भी नहीं लगता है, इसका कलर छुटता नहीं है रेशम का। ये देखिए एकदम सिंपल तरीके से बताएंगे, ये एक एक काम आपको डेली समझाएंगे कि किस तरह से काम होएगा। ये देखिए कि पूरा पूरा पीस सिलना, अभी मैंने ये स्टार्ट किया, बहुत से लोग मुझे बोले कि ऐसा नहीं, हमको ऐसा बताओ। तो देखिए एक एक चीज़ समझाएंगे आपको, आउटिंग के बारे में हर काम। ये देखो, और काम कैसा है कि खूबसूरती से करना है। बहुत से कारीगर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि जो मेरे साथ करते थे, वो भी सीखते हैं मेरे साथ कि भाई कैसा सिलते हैं, ये क्या है। बहुत से लोगों को खाली आरी का ही काम आता है, दरूजी आती नहीं है। ये देखिए मेरा फूल हो गया रेडी। ये देखिए अब इसका फाइनल टच है, और ये गोल्डन डायमंड है, गोल्डन स्टोन। ये देखिए इस तरह से पॉइंट पॉइंट पे लगा दे ताकि खूबसूरत लगेगा, थोड़ा शाइनिंग आएगी। तो देखिए हो गया अपना गला रेडी, तो इसका पूरा वीडियो लेते हैं। ये ब्लाउज का बैक गला है, ये देखिए मोती वर्क है, तो बीट से ओपेक। और ये इसका फ्रंट है ब्लाउज के आगे का। और तो ये स्लीव पे बॉर्डर है, इसको हमने खाली हाईलाइट किया है। ये देखिए खाली हाईलाइट करना था। ये साड़ी का भी बॉर्डर ऐसा ही है, तो साड़ी तो प्लेन रहती है, खाली ब्लाउज ही अभी वर्क होता है ब्लाउज पे। और ऐसी सिंपल बूटी मैंने डाला हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।